आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने वो काम किया है जो 50 सालों से कोई नहीं कर पाया। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ग्वालियर में जन मंगल महोत्सव कार्यक्रम में प्रवचन देने के लिए आए हुए थे। अहिंसा संस्कार पद यात्रा के प्रणेता आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज इन दिनों ग्वालियर प्रवास पर हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम धर्म की चिंता करो, तुम्हारी चिंता चिंतामणि हो जाएगी। CAA और GST पर चर्चा करते हुए प्रसन्न सागर महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इन दोनों चीजों को लागू करके वो काम करके दिखा दिया है जो 50 सालों में कोई नहीं कर पाया। गौरतलब है कि आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ग्वालियर में जन मंगल महोत्सव कार्यक्रम के तहत आए हुए हैं। इसके साथ ही वे जन मंगल महोत्सव की विचारधारा को आम जनता के बीच प्रतिपादित कर रहे हैं। मैं मोदी जी से प्रभावित नहीं हूँ, मैं उनके कार्य से, उनके व्यक्तित्व से, उनके क्रियाओं से बहुत प्रभावित हूँ। क्योंकि जो मोदी जी ने या अमित जी साहब ने जो GST का प्रावधान दिया है, निश्चित कुछ चीजें प्रारंभ में गलत लगती हैं, लेकिन उनके अंजाम पीछे बहुत अच्छे हैं। कुछ चीजें प्रारंभ में बहुत अच्छी लगती पर उनके अंजाम गलत निकलते हैं। तो मैं सोचता हूं कि जिनको समझ में नहीं आया वो इस चीज का, नागरिकता का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सत्य यही है कि आने वाले 3-5 साल बाद ये सारी बातें अमृत जैसी लगेंगी कि उन्होंने जो देश के लिए किया है 50 साल में आज तक कोई भी नहीं कर पाया, जो मोदी जी अमित जी ने किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।